हेलो एवरीवन, आई एम शिवम गुप्ता। वेलकम टू 3D लर्निंग एकेडमी एंड मॉक जोन। सो गाइस, टुमारो फाइनली यू ऑल आर हैविंग स्नैप 2020 एग्जाम। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। काफी लोग कंफ्यूज हैं, काफी लोग परेशान हैं। ये इंस्ट्रक्शंस बेसिकली एग्जाम के पहले के हैं कि आपको क्या क्या लेके जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लोग मिस कर देते हैं काफी चीजें हैं। तो गाइस, ये वीडियो पूरा देखना, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करने वाले हैं। आपको जल्दी समराइज करना था कि आप लोग देख लो उसको, प्लीज काफी लोगों तक पहुंचा दो, क्योंकि काफी लोग हैं जो कुछ छोटी चीजों की वजह से अपना एग्जाम उनका कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो उसको जरूर से शेयर करना, लाइक कर दो वीडियो को, लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा। एंड वीडियो को शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लो, कि अभी काफी वीडियोज बन रहे हैं। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, आपको कलर प्रिंट आउट लेके जाना है एडमिट कार्ड का। वहां साफ साफ लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट एक्सेप्टेड नहीं होंगे। तो आप कहीं से भी, आप इस टाइम पे भी अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट उसको कलर ले लो, क्या फायदा कि वहां पे नाटक हो जाए कुछ। ठीक है, तो कलर प्रिंट आउट लेके जाओ, क्योंकि बस इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है चीज। प्लीज इंश्योर दैट यू अराइव एट द असाइंड टेस्ट सेंटर लेटेस्ट बाय 9 आवर्स। ठीक है, तो 9 बजे का टाइम है, 11 बजे से एग्जाम है आपका। ठीक है, 9 बजे का टाइम है, ये लोग जानबूझ के आपको ज्यादा जल्दी बुलाते हैं ताकि आपका आप डिले ना कर दो। गैस ऐसा होता है लोगों के साथ, आपको लगता है कि अरे कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे लग जाए, क्या करेंगे। बट हमने देखा है 2015-16 में एक बंदा ट्रैफिक में फंस गया था कुछ अचानक। ठीक है, तो सर बहुत डिले हो गया, जबकि वो बहुत पहले चला था। तो अचानक कुछ भी हो सकता है, तो बेस्ट यही है कि आप जो टाइम दिया उस टाइम पे पहुंच जाओ तो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि अगर आप जरा सा भी लेट होगे तो आपका मेंटल प्रेशर बहुत हो जाएगा, फिर आप नर्वस होकर पेपर खराब कर दोगे। बिल्कुल चिल होकर जाओ टाइम पे, थोड़ा जल्दी उड़ जाओ, जल्दी सो जाना, जल्दी उड़ जाओ, बट टाइम से जाओ गाइस। थोड़ा बहुत डिले ठीक है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं यही बोलूंगा 9 बजे लिखा है तो 9 बजे पहुंच जाओ आप। वहां पे आप आराम से रिवाइज करते रहो, कुछ भी करते रहो, बट टाइम पे पहुंचने में आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कई बार सेंटर का कन्फ्यूजन हो जाता है, सेंटर है कि नहीं है, कहाँ पे सेंटर है, वहां पे लोकेशन ढूंढने में टाइम लग जाता है। तो ये सब चीजें बात के लिए मत रखो, क्योंकि इससे आपका सीधे फर्क पड़ेगा आपके एग्जाम पे। आप नर्वस हो जाओगे, डर जाओगे। ठीक है, तो ये गलती मत करना। ठीक है, आपको असाइन अपनी सीट में बैठना है 10:30 तक। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ पेस्ट करनी है आपको एडमिट कार्ड में, जहाँ प्लेस प्रोवाइडेड है, कलर फोटोग्राफ है। ठीक है, ओरिजिनल आईडी, ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेके जाना है गाइस। कोई भी हो सकता है, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, फुल प्लेस प्रिंट आउट ऑफ ई आधार कार्ड अगर है, पैन कार्ड, इनमें से कोई भी एक लेके जाना है, एक या दो ले लो, ज्यादा अच्छा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, अगर आपका मान लो एडमिट कार्ड में और उसमें नाम अलग अलग है, मान लो ठीक है कुछ गलती कर दी आपने, तो उसके लिए आप कुछ आईडी प्रूफ रख लेना, और 10th 12th की मार्कशीट या कुछ भी रख लेना। ठीक है, जिससे कोई इशू ना आए प्रूफ दिखाने के लिए, अगर आपका कुछ मिस्टेक हो गया है तो। ठीक है, एडमिट कार्ड पे धोखे से गाइज, इंश्योर करना कि आपका एडमिट कार्ड जो है वो स्टैम्प्ड हो जाए, इन्विजिलेटर कर दे उसको स्टैम्प। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप कुछ मिस हो जाए, फिर गड़बड़ हो जाएगा, नहीं सब देखे रहना। बाकी तो सब चीजें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आप देखे रहना। ठीक है, एडमिट कार्ड को फेक मत देना गाइज, लौट के आके एडमिट कार्ड से पूरा प्रोसेस होता है। जब तक आपका एडमिशन हो जाए कॉलेज में, तक एडमिट कार्ड रखे रहना। काफी लोग एडमिट कार्ड को सील से नहीं लेते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। कोरोना से रिलेटेड एक 7th पॉइंट है गाइज, मास्क, ग्लोव्स, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर लेके जाना, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाना, जो कैट में भी शायद दिया होगा लेकर, सिंपल सा पेन होना चाहिए, एडमिट कार्ड एंड आईडी कार्ड, ये कुछ चीजें ही लेके जानी है आपको, बाकी चीजें अलाउ नहीं होंगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज थी। बाकी यहाँ पे समरी है, 9 बजे का टाइम है आपका, ये ऑफिशियल उससे निकाला है मैंने, 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 11 से 12 आपका एग्जाम है। बिल्कुल चिल होकर का एग्जाम देना, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, देख लिया होगा। यस, RCDIN बसल आपको पहले नहीं करने, आपके ऊपर है, बाकी आप कैसे करते हो, बट मेरा मानना यही है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पे काम करना। बाकी 7 पॉइंट याद रख लो, आप स्क्रीन शॉट ले लो, जो भी करना हो कर लो। कलर कॉपी एडमिट कार्ड बोल चुके हैं, वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ ये कर लेना, ब्लैक एंड ब्लू सिंपल पेन, मास्क, ग्लोव, सैनिटाइजर। गैस घर से बिल्कुल बाहर निकलते टाइम एक बार फाइनल चेक कर लिया करो, ये हमेशा आपको सेफ रखेगा। चाहे आपने रात को जितना बैग में रख लिया हो, स्टिल जब निकलो तो 7 चीजें आपने व्हाट्सएप में लिख लो आप एक ग्रुप कैसे भी करके। ठीक है, फिर सब में चेक्स कर लो कि सारे चेक सही है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसी चीजें छोटी मोटी गड़बड़ कर देती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा भी है येलो पॉइंट में कि इफ योर नेम हैज बीन चेंज ड्यू टू इवेंट्स सच एज मैरिज, यू मस्ट शो द डॉक्यूमेंट सच एज मैरिज सर्टिफिकेट, डाइवोर्स, ये सब कुछ अगर हो जाए तो ये होता है। ठीक है, बाकी ये तुम्हारा टाइपो हो गया तो उसके लिए भी दिखा देना वो चीज, 10th 12th की मार्कशीट वगैरह लेके जाओ अगर आपका टाइपो हो गया एडमिट कार्ड में तो। ठीक है, एक्सेप्ट एडमिट कार्ड, फोटो आईडेंटी, पेन, नो अदर एडमिसिबिलिटी अलाउड। ठीक है, तो जितना 7 पॉइंट्स हैं 7 पॉइंट इंपॉर्टेंट रख लो, और टाइम पे गाइस पहुंचना है, जल्दी सो जाना। ये नहीं कि 2 बजे तक फिगर ऑफ स्पीच रट रहे हैं, कोई फायदा नहीं, जितना करना था कर लिया, अब जो होगा देखा जाएगा, टाइम पे सो जाना कुछ भी करके। ठीक है, चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, अच्छा करके आओ पेपर। ठीक है, चलो गाइस, बाय।